लॉकडाउन के दौरान शुक्रवार को महेवा मंडी में आढ़तियों ने किसानों की सब्जियों को खरीदा। इस दौरान मंडी सचिव सेवाराम वर्मा ने कहा कि मंडी स्थल में कोई भी किसान अपना माल बेचने के लिए ला सकता है और हमारे आढ़ती व्यापारी सीधे उससे खरीदेंगे। व्यापारी उचित मूल्य पर किसानों का माल खरीदेंगे। अगर आढ़ती है तो इस आपदा की घड़ी में उचित कमीशन पर किसान का माल बेचेंगे और किसान जिस भी व्यापारी को उनको लाभ मिले अपना माल सीधे बेच सकते हैं। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सकेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आढ़ती मोहम्मद ईदू, मंडी सचिव सेवाराम वर्मा और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, हमारा नाम मोहम्मद ईदू है। हमारे मजिस्ट्रेट साहब ने जो है और सचिव साहब और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि जो आढ़ती है वो किसान का सौदा लेकर वो वजन करके उसको भेज दिया जाए। अगर एक आध दो रह जाएंगे तो कोई बात नहीं है, बाकी पैसा दे के उनको भेज दिया जाए किसान को। और ये लॉकडाउन में जो है हम लोग बहुत सहयोग दिए गए हैं और कोई बात की शिकवा शिकायत नहीं है। और उन लोगों का सर सोशल डिस्टेंस को देखते हुए आप लोग कैसे कैसे सावधानियां बरत रहे हैं? सावधानियां बहुत है, दूरी भी बहुत है और कोई बात नहीं है। और बहुत मज़े से मंडी जो है और भीड़ जो है बहुत हल्की चल रही है। यहाँ आठ आना एक रुपये चलना चाहिए, आठ आना चल रही है। बहुत शांति से मंडी चल रही है, शांति। सेवाराम वर्मा, मंडी। मंडी स्थल में कोई भी किसान अपना माल बेचने के लिए ला सकता है और हमारे आढ़तिया व्यापारी हैं उनसे सीधे थोक भाव में वो परचेज कर लेंगे। सर व्यापारियों से आप क्या अपील करेंगे, कैसे वो किसानों के साथ? व्यापारी गण जो भी वाजिब रेट है उस दर पर किसानों का माल क्रय करें, या आढ़ती हैं तो उचित कमीशन पर इस आपदा की घड़ी में उनका माल बिक्री कराएं। सर कुछ व्यापारी अभी माल खरीदे हैं आज हम गए थे और बाकी एक दो चार और व्यापारी हैं, उनके लिए क्या कहना किसानों के लिए? ये किसानों का व्यापारियों मत विक्रय का सौदा है, जिससे उनका भाव पटेगा उसको बेचें। इसमें कोई बंदिश नहीं है कि खामखा आप फला को बेचिए या फला ही आपका माल खरीदेंगे। किसान को जहाँ पड़ता पड़े, जिस व्यापारी से पड़ता पड़े, सौदे उनसे कर सकता है। मंडी गोरखपुर में फुटकर व्यापारियों को नियमानुसार वहाँ बेचने का अधिकार नहीं था। एक प्रथा के अनुरूप ये ऐसे व्यापारी फुटकर वहीं पर विक्रय करते थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में दिक्कत आ रही थी। अतः ऐसे लोगों को नियम के अंतर्गत मंडी में विक्रय करने से रोक दिया गया है। मंडी में अब सोशल डिस्टेंसिंग काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गई है और मास्क भी 99% से अब अभी लगा रहे हैं, अब काफ़ी कंट्रोल्ड है।